मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे कर लगाकर लगातार अनिश्चितता और निराशा का माहौल पैदा कर फुटवेयर व्यवसायियों पर 12% कर लागू कर रही है, जिसके विरोध में सभी फुटवेयर व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन। भिलाई फुटवेयर एसोसिएशन व छत्तीसगढ़ होलसेल फुटवेयर संघ के तत्वावधान में फुटवेयर पर 12% जीएसटी कर लगाए जाने के विरोध में बुधवार को फुटवेयर संघ के पदाधिकारियों व्यवसायियों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में चप्पल जूते की दुकान 12% जीएसटी को स्थगित करने की मांग को लेकर बंद रखी गई। इसी कड़ी में दुर्ग में भी 12% जीएसटी को स्थगित करने माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने दिल्ली निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही पूरे शहर की सभी जूते चप्पलों की दुकानें आज बंद रही और सभी एक साथ एकत्र होकर इस जीएसटी कानून का विरोध करते नजर आए, जिसे बड़ी संख्या में जूते चप्पल व्यवसाय से जुड़े लोग वाचन वर्ष के पदाधिकारी भी शामिल रहे। गौरतलब है कि जूते पर लगी कर की दर को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी कर ढांचे के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है, खासकर ऐसे समय में जब देश का घरेलू व्यापार अभी कोविड-19 के अंतिम दौरों के कारण हुई भारी क्षति से उबरने का प्रयास कर रहा है। साथ ही एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि एक तरफ भारत सरकार मेक इन इंडिया का उदाहरण देकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार जगत में इस तरह से ऊंचे कर लगाकर फुटवेयर व्यवसायियों पर भय का माहौल निर्मित कर रही है। इस संबंध में फुटवेयर के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। 12% जीएसटी पे विरोध है, ये हमने इनके लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। यहाँ के मतलब सीजी के छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री के नाम से और एक देश की वित्त मंत्री के नाम से सांसद विजय बघेल जी को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है कि जो 12% जीएसटी है वो कपड़े और जूते के हिसाब से बराबर रहना चाहिए, कोई भी 5% ही रहना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कपड़े पर हटा दिया गया, जूते पर नहीं हटाया, इसलिए हमारी मांग है कि जूते पर जीएसटी को हटाया जाए और आगे भी उसे बरकरार रखा जाए 5%। ऐसा है भाई साहब, जूता और कपड़ा चोली दामन के साथ है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कपड़े पे उन्होंने वापस ले ली, जूते पे नहीं ली, ये समझ से परे है, ये भेदभावपूर्ण नीति है जो हम जूते वालों को बड़ा कष्ट और पीड़ा पहुँचा रही है। और हमने ईमानदारी से जीएसटी भरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं भरा है, 5% ईमानदारी देते हैं, उसमें भी सरकार को बहुत अच्छा राजस्व मिल रहा है। 12% से कई ऐसे परिवार जो छोटे छोटे कारीगर हैं आगरा में, उनको बहुत तकलीफ होगी। हमारे छोटे छोटे भाई हैं जो फुटपाथ पर धंधा करते हैं, उनको भी तकलीफ होगी। कर की चोरी को फिर प्रोत्साहन मिलेगा, कोई वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि 5% यथावत बना रहे। आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जूता व्यवसाय, जूते से जुड़े हुए इंडस्ट्री से सभी लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब हमने कोरोना काल में दोनों लहर के समय में अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, तो क्यों आज ऐसे समय में जिस समय पे ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब तक पैर में अगर नहीं होगा चरण पादुका नहीं होगी तो काम नहीं चलता है, जिसका हमने उदाहरण पेश किया था। जब मिलों दूर से जो कारीगर थे वो पैदल चलते चलते आ रहे थे, तब हम लोगों ने बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी दुकानों से जितना स्टॉक था बाहर निकाल के उनके चरणों में उनको चरण पादुका दे के अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद की थी। उस समय पे फुटवेयर व्यापारी एक एक ने अपनी दुकानों से सब कुछ स्टॉक निकाल के बाहर कर दिया था। आज ये सरकार हमको ऐसा कर रही है कि हमको 5% से 12% पे ये जीएसटी लेके जा रही है। हमने जिस समय पे सरकार को ज़रूरत थी, हमने अधिक से अधिक टैक्स दिया, अपनी दुकानें बंद रख के अपने साथियों का पेट पालने का काम किया था, लेकिन आज हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का विरोध करते हुए आज हमने पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे जूते से जुड़े हुए एक एक व्यापारी ने आज धरना प्रदर्शन किया है और अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं साहब कि हम टैक्स देने को बिल्कुल तैयार हैं, हम अपने खुले मन से सरकार के साथ हैं। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना मोदी जी ने देखा है उनमें हम सहभागी होने जा रहे हैं, लेकिन आज इस घड़ी में कोरोना की जब तीसरी लहर सर के ऊपर है, उस समय पे अगर 5% से उठा के 12% कर दिया जाएगा, रेट महंगा हो जाएगा, आम उपभोक्ता उससे दूर होता चला जाएगा, तो हम लोग कैसे अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से चला पाएंगे।
इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि इसको 5% से रहने दिया जाए और हम लोग अपने काम को टैक्स देने में हम हमेशा अग्रणी रहे, आगे भी हमारे अपना परिचय बताएं। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।